दोस्तों, क्या आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल यानी कि आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई भी मॉडल का फ़ोन है और आपके सैमसंग फ़ोन में आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका आपके पास बार बार आ जाता है यूएसबी कनेक्टर कनेक्टेड, यूएसबी कनेक्टर डिसकनेक्टेड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है यूएसबी का सैमसंग के मोबाइल में, तो इसे आप कैसे सही करेंगे ताकि आपके पास ये बार बार आपके पास प्रॉब्लम ना आए। और ये आपके पास कब आता है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम तब आता है जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में और यहाँ से आप अपने यूएसबी का यूज करके अपने फाइल या फोटो वीडियो को किसी दूसरे मोबाइल में, किसी ओटीजी या दोस्तों आप किसी पेन ड्राइव में या किसी लैपटॉप में कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आपका जब ओटीजी यहां से आपका ये जो ओटीजी होता है, जब इसे आप निकाल लेते हैं, निकाल लेने के बाद भी आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आता रहता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। तो इसे आप कैसे सही करेंगे अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है? तो सबसे पहला इसका रीजन है कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपका चार्जर है यह आपका ओटीजी है, उसे एक बार आप यहां पर इस तरीके से लगाएं। लगाने के बाद आपको उसे एक बार निकाल लेना होगा और देखना होगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप कम से कम 4 से 5 बार ये काम प्रयास करें, ये आप कर लीजिए और हो सकता है कि आपका ये हट जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी भी ये नहीं हटता है तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको जाना होगा मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर लिखना होगा रीसेट। जैसे आप सर्च करेंगे रीसेट, तो आपके सामने एक सेटिंग आ जाएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा सेटिंग। अब आप इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर दें और यहाँ से आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। अपना लॉक डाल दीजिए। लॉक डालने के बाद आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है और आपका जो नेटवर्क सेटिंग होगा वो आपका रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद हो सकता है कि आपका ये सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। जैसा अभी हमारा फिक्स नहीं हुआ है तो हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको फिर क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना होगा और फिर आपका यह सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और यहां से भी आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। अब यहां से आप बैक आ जाइए, इतना काम कर लीजिए। लेकिन अगर आप इतना काम कर लेते हैं फिर भी आपके पास यही प्रॉब्लम आता है तो आपको एक सेटिंग और मिल जाता है। यहां पर आपको क्या करना है, सर्च बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सर्च करना होगा यूएसबी। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक यूएसबी सेटिंग निकल कर आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन के अंदर। ध्यान से देख लीजिए, डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो अगर आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन सेटिंग चालू नहीं है तो डेवलपर सेटिंग को चालू कैसे करते हैं, इसके लिए आपको बैक आना होगा, अबाउट सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। अब आप इस पर कम से कम एक बार क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको बताते हैं बिल्ड नंबर। इस पर आपको कम से कम 7 बार इस तरीके से क्लिक करना होगा और आपका डेवलपर सेटिंग ओपन हो जाएगा। और उसके बैक आ जाएंगे, डेवलपर सेटिंग आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर जाकर भी आप यूएसबी सेटिंग कर सकते हैं या आपको यहां पर सर्च बार पर लिखना होगा यूएसबी। जैसे आप लिखेंगे यूएसबी तो आपके सामने यह आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन के अंदर डिसेबल यूएसबी आईडियो राउटिंग। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने यह वाला सेटिंग निकल कर आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर मिलेगा मीडिया ट्रांसकोडिंग। अब आप इस सेटिंग पर क्लिक करें और यहां पर यह सेटिंग आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार इन सेटिंग को इस तरीके से बंद कर दीजिए और चालू कर दीजिए। एक बार ये जो सेटिंग है इनका आप यानी कि विपरीत कर दीजिए, जो सेटिंग बंद है उसे आपको चालू करना होगा और जो बंद है उसे आपको एक बार फिर से चालू करके बंद कर देना होगा। इतना काम कर लीजिए और आपको फिर बैक आना होगा। बैक आने के बाद अपने मोबाइल फोन को बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना होगा। तो चलो हम यहाँ पर अपने मोबाइल फोन को यहाँ पर रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, अभी हमारा मोबाइल फोन ओपन हो जाएगा। 1 मिनट का समय लगेगा। ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर इसका स्क्रीन ऑन करते हैं और आपका जो भी लॉक हो अपना लॉक डाल दीजिए और आपका फोन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, कम से कम कुछ सेकेंड लगेंगे और आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, जैसा कि हम आपको दिखा दें कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमारे पास अब नहीं आएगा। थोड़ा सा और समय लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का, वो आपका जा चुका है। लेकिन एक बात को याद रखना होगा कि अगर आप चाहो तो ये काम पहले कर सकते हैं, यानी कि एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके और फिर अपने मोबाइल फ़ोन को आप चालू करके देख लेंगे। हो सकता है कि आपका ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाए और ये सेटिंग भी आपको ना करना पड़े। तो अगर आप सेटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करने के बाद फिर आप चालू कर लेंगे। हो सकता है कि आपका सॉल्व हो जाए। अगर आपका सॉल्व ना हो तो आप ये सारी सेटिंग आप अप्लाई करके फिर अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन
कर लेंगे और 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, आप जान गए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता है कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को सही कैसे किया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत